मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस वीडियो के अंदर। आप देखेंगे किस तरह से हम इस तरह की काइट बना सकते हैं, पतंग बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फोटोशॉप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर शेप ले रहा हूँ, रिक्टेंगल टूल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर शेप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप फील के अंदर फील कलर सेलेक्ट कीजिए। एक बार मैं यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए रेड कलर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पर स्ट्रोक सेलेक्ट करूंगा, ब्राउन कलर का ये कलर मैंने स्ट्रोक का ले लिया और यहाँ पर स्ट्रोक रख दिया 1। ओके कर देंगे। उसके बाद में शिफ्ट दबाते हुए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाऊंगा। शिफ्ट इसलिए ताकि इसका शेप मुझे विड्थ और हाइट इसकी बराबर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट दबाते हुए इतना बड़ा यहाँ पर शेप ले रहा हूँ। ये बन गया शेप। अब हम क्या करेंगे, इस शेप के अंदर मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा। यहाँ पर पेन टूल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबा करके इस पॉइंट को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो पाथ है इसके बीच में यहाँ पर पेन टूल को लेके आऊंगा, जहां पर पेन टूल के पास में प्लस का आइकन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टार है और यहाँ पर प्लस का आइकन आ जाएगा, मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर एक नया पॉइंट बन जाएगा, और कंट्रोल के साथ में वापस कंट्रोल दबाते हुए इस पॉइंट से इस साइड में लेके जाऊंगा थोड़ा सा हल्का सा। तो इस साइड में हल्का सा लेके गया, उसके बाद में इसी तरह से इस साइड में मैं लेऊंगा और थोड़ा सा हल्का सा मैं क्या करूंगा बाहर की साइड में इस तरह से ले लूंगा। सेम इसी तरह से ऊपर की साइड में क्लिक करूंगा, फिर कंट्रोल दबाते हुए थोड़ा सा बाहर की साइड में इसी शेप को, फिर थोड़ा सा कंट्रोल दबाने के बाद में बाहर की साइड में इस तरह से निकाल देंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल को यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और मैं यहाँ पर टूल सिलेक्ट करूंगा, इलिप्स टूल। इलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक इलिप्स बनाएंगे। तो ये इलिप्स बनाया और इसका कलर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बार पिंक कलर रख देता हूँ। अब एक बार एक ये हमारे पास में शेप है और ये हमारे पास में शेप है। मैं क्या करूंगा, इस शेप को क्लिक करने के बाद में एल्ट के साथ में ड्रैग करूंगा ताकि इसका डुप्लीकेट बन जाए। एक को मैं यहाँ पर रख दूंगा, दूसरे को यहीं पर रहने दूंगा। अब इस शेप को इसके ऊपर लेकर के आऊंगा और यहाँ पर इसकी साइज थोड़ी सी इस तरह से बढ़ाएंगे। अल्ट और शिफ्ट दबाते हुए मैं साइज बढ़ा रहा हूँ ताकि इसका शेप जो है वो सेम रहे। और इतनी साइज हमने कर दी, थोड़ी सी साइज इसकी हम और बढ़ा लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। जो कीबोर्ड के अंदर एरो कीज है, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम वाली, उनसे हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो इतना मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर लेके आने के बाद में पेन टूल हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ में इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और जो आपको ऊपर की साइड में बार दिखाई दे रहा है इसके अंदर मैं यहाँ पर इंटरसेक्ट शेप एरिया इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाला शेप सिलेक्ट करूंगा। ये नीचे वाला नहीं है, ये शेप जो है वो ये नीचे वाला है, तो इसको ऊपर ले आते हैं। ये वाला शेप जो है वो सिलेक्ट करूंगा इस इलिप्स के साथ में, पहले इलिप्स फिर ये, दोनों सिलेक्ट किए कंट्रोल ई से मर्ज कर दूंगा, या आप लेयर मेन्यू के अंदर जाए और मर्ज शेप के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप मर्ज करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाए। इसका मतलब यहाँ से जो हमने इंटरसेक्ट शेप एरियाज किया था उस वजह से ये क्या हुआ है, दोनों के बीच का पार्ट यहाँ पर रह गया। इतना काम हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस शेप को यहाँ पर लेके आएंगे, इस शेप को इसके ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। तो पतंग का इतना पार्ट हमने यहाँ पर बना लिया है। अब मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पर इलिप्स टूल सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में इसकी साइज थोड़ी कम रख देंगे, इतनी साइज मैंने यहाँ पर इलिप्स टूल की रख दी है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मैं रास्टराइज के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पर इन लेयर्स को रास्टराइज करूंगा और फिर उनको कलर दूंगा अलग अलग। तो देखिए सबसे पहले मैं ये जो ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है शेप, इसको रास्टराइज कर देता हूँ, रास्टराइज। और ये इलिप्स है इसको भी रास्टराइज, और यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसको भी यहाँ पर रास्टराइज, सभी को रास्टराइज कर दिया। और ये यहाँ पर जो नीचे वाला है तो बॉटम आर इसी रेक्टेंगल में लिख देता हूँ, नीचे वाला रेक्टेंगल, इससे पता चल जाएगा हमें। ये टॉप पार्ट इस तरह से मैंने नाम दे दिया इनको ताकि हमें पता चल जाए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है इस पार्ट को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा मैजिक वेंट टूल और इसको बीच में से जो पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैजिक वेंट की बजाय आप इसके ऊपर कंट्रोल के साथ में क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। हमें ये लाइन यहाँ पर थोड़ी सी वो चाहिए, इस शेप के पास में जो थोड़ी सी लाइन है ये भी चाहिए और यहाँ पर जो छोटी सी लाइन है वो भी चाहिए। इसलिए हर बार क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैजिक वेंट टूल से सिर्फ बीच वाला जो कलर है उसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करूंगा। ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम जाएंगे और उसके बाद में
आप इस मेन पार्ट के ऊपर क्लिक करें, जिससे आप एडिट विंडो के अंदर आ जाएंगे। ग्रेडिएंट यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी ग्रेडिएंट ले लेता हूँ, मान लीजिए ये ग्रेडिएंट है, ये ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर ये कलर रख रहा हूँ, सुनहरा रंग, ओके कर देंगे। और इस साइड के अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वही रंग यहाँ पर रख रहा हूँ, ये रंग, और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर ये सिलेक्ट कर लिया, और इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट करूंगा, रेडियल ग्रेडियंट सिलेक्ट करूंगा, जो रेडियल शेप है वो सिलेक्ट करूंगा। बीच में क्लिक करने के बाद साइड में, बाहर की साइड में इस तरह से लेके आ जाऊंगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइट कलर ले लिया है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नीचे वाले लेयर को, इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में मैजिक टूल सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आएंगे, और मैं इसके लिए यहाँ पर यह ब्लू कलर ले रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कलर ले लेते हैं, और इस साइड में थोड़ा सा डार्क कलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में वही यहाँ से रेडियल सिलेक्ट करते हुए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर बीच में थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए, और बाहर के साइड में थोड़ा डार्क डार्क कलर चाहिए, इसलिए मैं रेडियल सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से मैंने ये सिलेक्शन कर दिया, ये हमने कलर दे दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो शेप है यहाँ पर, इसको ले आते हैं, और इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, वापस वही मैजिक वैंड टूल सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर येलो कलर इसके लिए ले लेता हूँ। यहाँ से येलो कलर ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा डार्क येलो ले लेंगे, ये डार्क ले लिया, और इस साइड में थोड़ा सा लाइट येलो ले लेंगे, ओके कर देंगे। और इस तरह से अब क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस लेयर के ऊपर लेके आएंगे, जो ये लेयर है इसके ऊपर हम लेके आएंगे। अब इसी लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लिप्स को, और राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अगर आप फोटोशॉप 7.0 यानी पुराने कोई वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑप्शन होगा लेयर मेन्यू के अंदर, यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिपिंग मास्क की जगह ग्रुपिंग का ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप विथ प्रीवियस, इस तरह से नाम से ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा, तो वो आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में इस शेप को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और मैं यहाँ से रिक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट के साथ दबाते हुए इस तरह से रिक्टेंगल बना लूंगा, और इसको क्या करेंगे, पेन टूल सिलेक्ट करेंगे। पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद में, पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद में इस पॉइंट को कंट्रोल दबाने के बाद में इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पर कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दूंगा, इससे क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे पेन टूल से, और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ताकि यहाँ पर एक वापस पाथ बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पाथ के बीच में मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जब पेन टूल के पास में प्लस का आइकन आ जाएगा, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबाते हुए इसको ऊपर की साइड में इस तरह से थोड़ा सा लेंगे, इतना ऊपर की साइड में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस शेप को भी यहाँ लेंगे। पहले मैं इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर रास्टराइज कर देते हैं, और यहाँ ले आते हैं, इस पतंग के पास में यहाँ पर लेके आ गए। अब क्या करेंगे, इसका चेंज करेंगे कलर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करूंगा, और इसका भी कलर मैं ये कर देता हूँ, जो स्काई कलर है, और इसके ऊपर कंट्रोल के साथ में पहले क्लिक करेंगे, या फिर मैजिक टूल से अंदर से पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, और फिर ग्रेडियंट टूल से ये कलर इस तरह से कर देंगे, कलर हो गया, और डी सिलेक्ट कर दिया कंट्रोल डी से। अब क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले लेंगे पतंग के, तो बैक साइड के अंदर इस तरह से जाएंगे, एकदम नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पर लेयर को, यहाँ पर इसको लेकर के आगे थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो इस तरह की ये पतंग यहाँ पर हमने बना दी। अब एक और काम हम क्या करेंगे, पतंग के सभी लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा इनको सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा, इतना सा। अब हम क्या करेंगे, इस पतंग के अंदर यहाँ पर जो, यहाँ पर लकड़ी के छोटे छोटे जो जॉइंट्स लगाते हैं वो हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम पेन टूल सिलेक्ट करेंगे, पेन टूल का कलर हम फिल कलर नन कर देंगे, और यहाँ पर स्ट्रोक कलर ये डार्क ब्राउन कलर रखेंगे, और दो मैं यहाँ से साइज कर देता हूँ। इस स्टार्टिंग वाले ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर एकदम नीचे यहाँ पर आ जाऊंगा, नीचे आने के बाद में थोड़ा सा इस तरह से राउंड राउंड कर देंगे, मतलब यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से हम खींच देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से कैप्स के अंदर राउंड कैप कर देंगे, साइज आप इसकी बढ़ा सकते हैं, 2.5 इस तरह से मैं कर देता हूँ, थोड़ी सी साइज हमने यहाँ पर बढ़ा दी है। अब इसी लेयर की जो शेप है, इसकी क्या करेंगे, साइज यहाँ पर ओपासिटी यहाँ पर कम कर देंगे हल्की सी, तो ये ओपासिटी मैंने यहाँ पर कम कर दी है।
यहाँ पर वापस हम सेव टूल सिलेक्ट करेंगे, पेन टूल सिलेक्ट करेंगे। पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद में इसको तो यहीं तक रखेंगे और एक और शेप बनाएंगे। इस बार क्या करेंगे हम, यहाँ से बनाएंगे, इस साइड से और इस साइड तक बनाएंगे। अगर इस तरह से सही नहीं बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, आप आधा आधा दो बार मन शेप बना सकते हैं। यहाँ तक बनाया और फिर यहाँ तक, यहाँ से वही राउंड कैप सिलेक्ट है और वही साइज, इस तरह से हमने बना दी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ओपासिटीज की कम कर देंगे। एक बार ओपासिटी में बढ़ा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी दूर नजर आ रही है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं इसको रास्टराइज कर देता हूँ, नीचे वाले लेयर को रास्टराइज कर देता हूँ। ऊपर वाले लेयर के ऊपर जाएंगे, जाने के बाद में एडिट मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है पुपेट वाप। बेसिक फोटोशॉप के अंदर इन सभी ऑप्शन को मैंने बताया है पहले से ही। अब एक पिन यहाँ पर बना देंगे, एक पिन हम यहाँ पर बना देंगे और एक पिन यहाँ पर और एक पिन यहाँ पर। अब एडजस्ट कर लेंगे ये थोड़ा थोड़ा, अगर जगह से अलग जगह पर है या बाद में मूव करना चाहें इसको थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। इसे इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, और एक पिन यहाँ पर बना लेंगे। इस तरह से कर दिया, उसके बाद में कंट्रोल के साथ में एंटर दबा देंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से लाइन के ऊपर ऊपर आ गया। अब चाहें तो आप इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये पतंग इतने तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए नीचे पूंछ बनाएंगे पतंग का। वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रश टूल है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक न्यू लेयर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको न्यू लेयर लेना है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, लिख दिया, इस लेयर का नाम दे दिया। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप राइट क्लिक मत कीजिए, यहाँ पर जाइए, ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आइए और जो ब्रश प्रीसेट है इसके अंदर आ जाइए और यहाँ से ऐसा देखिए ब्रश, जो जैसे कि ये ब्रश है यहाँ पर स्टार्टिंग से और इस तरह से स्मॉल और इस तरह से, ये ब्रश मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद में पेन टूल सिलेक्ट करेंगे। तो ब्रश बस सिलेक्ट करके छोड़ना है, ब्रश की साइज आप सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30 साइज मैं इसकी कर देता हूँ, इतनी साइज सिलेक्ट कर दी, बस इतना ही करके छोड़ना है। फिर पेन टूल लेना है, पेन टूल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो स्ट्रोक है उसको यहाँ पर नन कर दीजिए और शेप की जगह पाथ सिलेक्ट कर दीजिए। ये सभी ऑप्शन करने कंपलसरी है, यहाँ पर पाथ सिलेक्ट करना जरूरी है और यहाँ से पेन टूल उसके बाद में सिलेक्ट कीजिए। अब हम इस तरह से शेप बनाएंगे, उस नए लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए एज नाम से जो हमने लेयर दिया था, और कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से शेप बनाया, उसके बाद में बनाते ही राइट क्लिक यहीं पे कर दीजिए, नाम आएगा स्ट्रोक पाथ, क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए ब्रश और सिमुलेट प्रेशर, इसको ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये इस तरह से यहाँ पर बन गया है। अब इस पाथ को पाथ पैनल के अंदर जा करके डिलीट कर दीजिए, तो ये यहाँ पर इस तरह से पूंछ बन गए। अब क्या करेंगे, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, यू दबाएंगे कंट्रोल के साथ में, कलराइज करेंगे और यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। जैसे एक तो यही कलर दे दिया, नीचे लेके जाएंगे लेयर को, सबसे नीचे लेके जाएंगे, कंट्रोल जे दबाएंगे जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, कंट्रोल के साथ में यू दबाएंगे और इसका थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, ये कलर दे दिया, ओके कर देंगे। फिर एक बार कंट्रोल जे दबाएंगे यानी डुप्लीकेट बनाएंगे, साइड में आ जाएंगे, यहाँ पर इसको एक बार फिर से ऐसे रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ब्रश सिलेक्ट करें, इरेजर सिलेक्ट करेंगे, इरेजर को सिलेक्ट किया, इतना यहाँ पर इरेज कर दिया और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं,
इस तरह से यहाँ पर रख दिया, कंट्रोल के साथ में यू दबाएंगे और कलर चेंज कर देंगे, येलो कलर सेलेक्ट, रेड कलर सेलेक्ट कर दिया। इस कलर की जगह हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देते हैं, ग्रीन, और ये हो गया रेड। रेड को क्या करेंगे, लेयर को सबसे नीचे लेके जाएंगे ताकि इसके नीचे से इस तरह से आएगा, दिखाई भी नहीं देगा। यहाँ पर इसे नहीं लग रहा है, तो इस तरह से छोटे छोटे इस तरह से पूंछ बना दिया, आप बड़े भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद में लेयर्स मेन्यू के अंदर जाते हैं, इतने सारे हमारे पास में लेयर पैनल के अंदर लेयर्स हैं। हम क्या करेंगे, अब इस वाले लेयर को, यानी इस वाले लेयर को आप सिलेक्ट कीजिए, फिल्टर के अंदर जाएंगे, लिक्विफाई के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो बॉर्डर है इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिक्विफाई कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड में इस तरह से बाहर निकालेंगे, थोड़ा अंदर बाहर इस तरह से आ जाएगा, जिससे पतंग के अंदर नेचुरल लुक आएगा इस तरह से, थोड़ा सा मतलब ज्यादा एकदम पेज सीधा नहीं होता है जिस ऐसे बनी होती है, और इसको थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकाल देंगे। फिर हम ओके कर देंगे, जैसे आप ओके करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर बॉर्डर जो है वो अपनी जगह से चेंज हो गया। तो इस तरह से आप पतंग बना सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आप जो चाहें इनके अंदर कलर दे सकते हैं, जैसे ये पतंग बन गई, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर बाहर आ रहा है, इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब जो चाहें आप कलर इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएंगे। अब कंट्रोल जी से ग्रुप बना दिया, ग्रुप को कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बनाएंगे, नीचे वाले ग्रुप को यहाँ पर लॉक कर देंगे, ऊपर वाले ग्रुप के ऊपर आएंगे और ग्रुप इस पतंग को इस साइड में ले लेंगे। अब इनके कलर्स कैसे चेंज करते हैं मैं बताता हूँ। पतंग को सिलेक्ट कीजिए, ऊपर की साइड में यहाँ पर ग्रुप की बजाय लेयर सिलेक्ट कीजिए, और अब इन लेयर्स का हम चेंज करेंगे। ये ऊपर वाला लेयर है, इसको कंट्रोल यू दबाइए और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ग्रीन कलर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट किया। यहाँ पर इसके मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल यू से थोड़ा सा केसरिया टाइप में, ये कलर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। और जो बीच में है उसको कंट्रोल यू से मैं क्या कर देता हूँ व्हाइट कलर के अंदर, यहाँ से प्योर व्हाइट के अंदर। तो आप जैसे चाहें यहाँ से इस तरह की पतंग बना सकते हैं, इनके कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये बना दी, और सेम यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, इसका कलर हम ग्रीन दे देंगे। ग्रीन दे देंगे या इस तरह से डार्क कलर दे देंगे। और यहाँ पर ये जो तीन लाइंस है उनके अंदर भी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कलर दे दिए और ये पतंग यहाँ पर तैयार हो गई है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे किस तरह से आप पतंग बना सकते हैं फोटोशॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।